भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देख भाभी, तेरा बेटा आगे आगे चल रहा है एक नेता की तरह। नहीं दीदी, नेता की तरह नहीं, योद्धा की तरह। योद्धा की तरह लड़ने वाला है वो। दीदी, उसके बाबा भी यही चाहते हैं कि वो योद्धा बने, और मैं भी। राष्ट्र संविधान का है दोष शिल्प का, सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीम राव, साहिब मेरे भीम राव। भीम, अब ये लो नहीं बुझेगी। हम सब पारी पारी इसमें लकड़ी डालते रहेंगे, और आज हम इस विद्यालय के सामने ये संकल्प लेते हैं कि इस आग को अपनी बिरादरी के हर इंसान के दिल में जला के रखेंगे, और आसपास के गांवों में घूम घूम कर उन्हें ये बात अच्छे से समझाएंगे। अरे ओ, बाद में समझाइए, पहले मेरा मूल सूद और मेरा कर्ज, उसका क्या होगा। नमक हरामो, एक एक उठा कर इसी अलाव में डाल दूंगा। अरे लेकिन सेठ जी, आपने ही तो कहा था ना, जब तक हम आपका कर्ज नहीं चुकाएंगे अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते। तो नहीं भेज रहे हैं ना। ज्यादा होशियार बनता है, हैं? सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वही खाते के हिसाब से पैसे चुकाने के लिए तैयार है ना तुम सब लोग। धमकी मत दीजिए सेठ जी, अब जो चाहे छीन ले, लेकिन हमसे हमारा जीने का हक नहीं छीन सकते। भाइयों देख क्या रहे हो, उठाओ लट। आज जिनको भी ताकत का प्रमाण दे देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, मारेंगे। जी, किसी व्यक्ति पर जुल्म उतना नहीं किया जा सकता है जितनी अपनी ताकत हो, बल्कि जुल्म उतना ही किया जा सकता है जितना सामने वाला सह सकता हो। चले जाइए, वरना अगर जुल्म की इंतहा हो गई तो देख लीजिए। तुम सब लोग हिसाब तैयार रखना, तो सबका हिसाब मैंने वही खाते में लिख रखा है। पाई पाई ना वसूली तुम लोगों से, तो मेरा नाम भी सेठ धन सुखलाल नहीं। चलो, अरे चलो। शुक्रिया काका। भाइयों, हम सबको मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए
जिससे भीमराव आगे पढ़ सके, क्यों गुरुजी? हाँ भीमा भाई, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। जी। घर में जितना राशन है बना लो, आज हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। तो बस मिल ही जाए भाई खाता, सब नष्ट कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे सूद मांगते हैं। मुकेश, पुलिस कप्तान के पास जा और उनसे कह कि सेठ जी ने कहा है जिन जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया है वो सब वापस चाहिए, और अगर वो ना दे तो उन पर सख्त कार्रवाई करें। जा। लेकिन सेठ जी, ये लेन देन बहुत ही पेचीदा मामला है, इससे पुलिस कप्तान में क्या मदद करेगा? अरे ले ले पकड़ और जाके उनको दे दे, ज्ञान मत बांट। उन छोटे लोगों को औकात दिखाने के अलावा मेरे पास काम ही क्या बचा है। जा। ठीक है सर जी। बिन भाई खातों से उन लोगों को बताऊंगा कि साहूकार जब अपने पे आता है तो सूद के साथ साथ खून भी चूस लेता है। भीमराव, तू इन लोगों का नायक बना फिरता है ना, यही लोग तुझसे नफरत करेंगे, और ये वादा है सेठ धनसुख लाल का। रखिए आप सब खाना, बुआ के हाथ से ले। हाँ। खोल दे। रुका मरा है? अरे यही तो हूँ मैं, और कहाँ जाऊंगा। ये रहा। रु, तुम खाना खा लो, फिर ताकत आएगी ना दौड़ने भागने के लिए। अगर ऐसी बात है तो तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, चल खा ले। आई। क्या हुआ? देखिए, सीधी बात यह है कि विश्वास की लौ चलाना अपनी जगह है, और विद्यालय में अपनी जात के बच्चों को पढ़ाना अपनी जगह। कोई ना कोई रास्ता तो निकालनी पड़ेगा ना।
जब तक पढ़ने के लिए कुछ बच्चे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं तब तक अंग्रेजी हुकूमत का दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है। अभी अगर शिकायत लेकर जाएंगे तो अकेले भीम की बात कोई सुनेगा ही नहीं। गुरुजी सही कह रहे हैं, हक की मांग में आवाज ऊंची होने से ज्यादा मांग करने वालों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। एक उपाय है अगर हम सब सोचें तब। कौन सा उपाय काका? हम में से जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं और सेठ जी का उनके ऊपर जितना कर्ज है अगर हम सब मिलकर चुका दें तो अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन सब राजी हो तब। और यही बात हम आसपास के गांवों में जाकर लोगों से बात करेंगे और उन गांव के हमारी जाति के लोग अगर एक होकर ऐसा करने लगे ना तो राम जी भाऊ हम कुछ 8-10 बच्चे तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, फिर तो सेठ भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ क्यों गुरुजी? ले भीम, जो आप तेरे दिल में जली है वही आप सबके दिल में भी जल गई। अभी आग शिक्षा के मार्ग को जरूर रोशन करेगी। आप लोग घर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। चलो भाइयों, सुबह सुबह हमें अलग अलग गांव में जाकर लोगों से बात करनी है। चलो। हाँ चलो। हाँ चलते हैं। भीमा भाई, बच्चों को लेकर घर जाओ। और आप? हाँ, मैं और भीम यही रुकते हैं। और मैं भी यही रहूंगा। गुरुजी, आप भी घर जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। हाँ नमस्ते। कितनी आराम से सो रहे हो, चोरों का गिरो, निकलो बाहर। सर जी, जुबान संभाल के बात कीजिए। चोर किसे कह रहे हैं आप? अरे मेरा बही खाता नहीं मिल रहा है, रात भर में कहां गायब हो गया, और वो भी उसी रात को जब सुबह मुझे हिसाब करना था। पाप की गठिया ऐसे ही गायब हो जाती है, मेरी आई कहा करती थी। तू चुप कर, बताओ तुम दोनों आए मेरा भाई खाता कहा रखा है उसे? सर जी, आपके घर गया था, आप वो नहीं थे तो यहाँ चलाया पुलिस कप्तान साहब को लेकर।
चलिए चलते वसूली करने। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सेठ जी का बही खाता गायब हो गया, अब कैसे मिलाएंगे कि किससे कितना सूद लेना है और कितना मूल। सेठ जी, हम सब ने आपसे जो लिया हुआ कर्जा है ना, वो लौटाने आए हैं, और वो भी सूद समेत। आपने ये कहा था ना कि जब तक हम लोग आपका कर्जा नहीं चुकाते, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते। यही शर्त थी ना सेठ जी आपकी? अरे पैसे कैसे लेंगे? जिस आदमी को अपने बीवी बच्चे याद नहीं है, उसे हिसाब याद होगा? जो समझ में आए, दो चार पैसे कुछ भी दे दो। भीख नहीं मांग रहा ना लायक। कप्तान साहब, इनसे मेरा पूरा पैसे वापस दिलवाइए। कहां से पूरे पैसे वापस दिलवाऊं? कहीं लिखा हो तब तो दिलाए। मैंने लिख के रखा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तो खा दे उड़ा। इसमें जो भी लिखा है वो सही है, और उसके हिसाब से अब इनसे पैसे ले लीजिए। कप्तान साहब देख क्या रहे हैं, ले जाइए इन चोरों को। अगर चोरी करता तो लिखता क्यों? भीम लाओ पैसे, लाओ। सेठ जी, आपका मूल सूद के साथ। भीम, हम दूसरे गांव में जाएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, बच्चे तो इकट्ठे हो जाएंगे, पर विद्यालय के अंदर कैसे जाएंगे ये सोच लो। नमस्ते सेठ जी, आप दूसरी तरकीब सोच लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये शिक्षा की लड़ाई बहुत कड़ी और संघर्षपूर्ण हो, क्योंकि आगे से कोई विद्यार्थी को रोकने की कोशिश ना करे, और अगर कोई करे तो इस सातारा की लड़ाई का उदाहरण देकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मंगेश, उठा पैसों को, चल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। लेकिन भीम, सेठ जी का बही खाता तुम्हें कहां से मिल गया, और उसे चुराया किसने था? देख रहा है। हाँ, मैंने ही चुराया था, और पता नहीं तुझे कहाँ से मिल गया। देखो बेटा, गलत का विरोध गलत तरीके से नहीं करते, बात को समझो। दो गलत का जोड़ हमेशा गलत होता है। सच्चाई और नेक इरादे की लड़ाई में
अगर कोई गलत करता है तो लड़ाई कमजोर हो जाती है। और एक बद्रू, सही को किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। हाँ ये सत्य है, सत्य कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की ही होती है।